हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जुनेद और आज आप देख रहे हैं ताजे के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको ये स्टीम से चलने वाला ये इंजन बनाकर दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इसको आप एयर के प्रेशर से भी चला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस इंजन की मेकिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरीके का एक स्टैंड बना लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके का एक स्टैंड बना रखा है। इसको बनाने किस तरीके से है वही मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी एक पीवीसी पाइप की भी एक सीट ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने एक प्लास्टिक की सीट पड़ी हुई थी तो मैंने उसको ही कट कर लिया। आप देख सकते हो इसको मैंने चकोर शेप में कट किया। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 4 सेंटीमीटर की रखी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो ये वाला पीस देख रहे हो जो मैंने इसके ऊपर लगाया है कुछ इस तरीके से, इसकी जो ऊँचाई है ये भी मैंने 4 सेंटीमीटर रखी है और जो इसकी चौड़ाई है ये मैंने 2.5 सेंटीमीटर रखी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक होल किया और इस होल में मैंने कुछ इस तरीके से इस पाइप के टुकड़े को लगा दिया है। इसमें आप देख सकते हो बीच सेंटर में एक होल है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये वाला जो आप कट देख रहे हो ये मैंने किस लिए बनाया है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस होल के बीच में हम जो रॉड यूज़ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये रॉड मैंने एक बैरिंग के बीच में फंसा रखी है और ये जो बैरिंग है ये हमारे फ्लाई व्हील का काम करेगा। इस बैरिंग के बीच में आपको ये रॉड कोई भी आप इस तरीके की जब ये आप सीट कट करोगे तो फ्रेंड्स, इसका एक और पीस आपको गोल पीस कट करना है और इस बैरिंग के बीच में फंसा कर उसके बीच सेंटर में होल करके ये रॉड आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक पीतल का बुश पड़ा हुआ था तो मैंने वही लगाकर इस रॉड को फिक्स कर दिया इस बैरिंग के बीच में। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया और ये काफ़ी फ्रीली रोटेट कर रहा है। आप देख सकते हो इस सीट के और इस बैरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप है, इस नीचे वाली सीट से टच नहीं हो रहा है बैरिंग और ये टच होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरीके का एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा कट करके यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके की इसकी एक क्रैंक बना लेनी है, वो भी आप देख सकते हो मैंने किस तरीके की क्रैंक बनाई हुई है। फ्रेंड्स, ये जो आप सीट देख रहे हो जो इससे एक्स्ट्रा सीट बची थी, फ्रेंड्स मैंने उससे ये पीस कट किया है। आप देख सकते हो मैंने इसका एक 3 फुट में एक पीस कट किया। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी शेप है और इसके बीच सेंटर में मैंने एक होल किया है। ये होल मैंने इस रोड के साइड से किया है और इसके साइड में मैंने एक कील का टुकड़ा लगा दिया और इस कील के टुकड़े के और इस होल के बीच में जो गैप है ये लगभग 2 mm का मैंने इसके बीच में एक गैप रखा है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया और ये कुछ इस तरीके से फ्रीली रोटेट करना चाहिए। आप देख सकते हो ये काफ़ी फ्रीली रोटेट कर रहा है और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जब ऑयल लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा फ्रीली रोटेट करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस क्रैंक को यहीं पर फिक्स कर देता हूँ इस रोड में। तो ये देख फ्रेंड, मैंने इसे फिक्स कर दिया और ये काफ़ी स्मूथली रोटेट कर रहा है, काफ़ी फ्रीली ये रोटेट कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इसके पिस्टन और सिलेंडर बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेंडर बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके की जो साइकिल की जो ट्यूब होती है फ्रेंड्स, उसकी वाल बॉडी आपको ले लेनी है। इसके अंदर का वाल आपको निकाल देना है। ये जहाँ से हम साइकिल के जो टायर में हवा भरते हैं फ्रेंड्स, उसका ये वाला हिस्सा आपको निकाल लेना है। ख़राब ट्यूब में से आप किसी भी ख़राब ट्यूब को आप निकाल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसका ये आगे का हिस्सा हमें कट कर देना है और ये इसका पीछे का हिस्सा भी कट कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हो, और इसके अंदर कुछ इस तरीके का ये होल होता है। फ्रेंड्स, इसको कट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का होल बना देना है। ये होल आपको होया हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरीके की एक पिस्टन बना लेनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो आप पिस्टन देख रहे हो ये मैंने मेरे पास एक पीतल की छोटी सी रॉड पड़ी थी तो मैंने उसको घिसकर इस साइज का बना लिया है जिससे ये इसमें कुछ इस तरीके से फ्रीली आगे पीछे मूव कर सके। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया और ये इसमें ज़्यादा ढीला भी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक कट बना देना है जिसमें हमारी कनेक्टिंग रॉड फिक्स होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कनेक्टिंग रॉड भी बना दी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की मैंने ये कनेक्टिंग रॉड बनाई है। फ्रेंड्स, मैंने एक सीट कट करी और उसमें मैंने यहाँ पर एक पतला सा होल कर दिया और ये होल मैंने इस कील के साइज का किया है। ये जो आप कील की मोटाई देख रहे हो ये मैंने इसके साइज से किया है जिससे ये इसमें कुछ इस तरीके से लग जाए और ये इसमें थोड़ा सा ढीला आना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इस कनेक्टिंग रॉड को इस पिस्टन में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा कर फेविक से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
तो ये देख फ्रेंड मैंने इसे अच्छा है फिक्स कर दिया। आप देख सकते हो काफ़ी टाइटली है यहाँ पर फिक्स हो गया और अब ये यहाँ से नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से पिस्टन इसमें आगे पीछे मूव करेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का एक पीस बना लेना। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके का एक पीस कट कर रखा है और ये फ्रेंड्स ये पीस आपको कहाँ से मिलेगा वही मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके की एक स्केल ली है और इसके मैंने छोटे छोटे दो पीस कट कर रखे हैं, दूसरा पीस भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से कट किया हो और इसके साइड का यहाँ का हिस्सा मैंने घिस दिया है जिस पर ये आपको नंबर दिख रहे होंगे, ये मैंने यहाँ से घिस कर ख़त्म कर दिए हैं और इसको मैंने स्मूथ कर दिया और इसे मैंने यहाँ से भी थोड़ा सा घिसा है। तो फ्रेंड्स इसका जो ये वाला हिस्सा है हल्का सा राउंड हो रहा था और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए कुछ इस तरीके से। आपको इसका कैसा पता चलेगा आपको कुछ इस तरीके से स्केल रख कर देखना है। फ्रेंड्स अगर ये स्केल इसके पूरी बॉडी पर टच हो रहा है तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है और ये साइडों से उठ रहा है, सिर्फ बीच में से यहाँ पर टच हो रहा है तो ये आपको घिसना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें ये बीच में टच हो रहा था, साइड में नहीं हो रहा था, तो मैंने इसका ये इसका बीच का हिस्सा घिस कर इसको पूरा बराबर कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आप ये होल देख रहे हो फ्रेंड्स एक होल मैंने इसलिए किया है कि ये जो आप इसमें ये वाला होल देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से इसके सामने आएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो आप नीचे वाला होल देख रहे हो इसमें कुछ इस तरीके का एक स्क्रू लग जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो ये स्क्रू है मैंने इसके ऊपर का जो हेड है इसको घिस कर इतना पतला कर दिया है जिससे यहाँ पर लगने के बाद ये इससे बाहर ना निकले और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देख फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर दिया। अब आप देख सकते हो काफ़ी मजबूती से यहीं पर फिक्स हो गया और फ्रेंड्स जो ये आप होल देख रहे हो इस होल इस सीट में और इस सिलेंडर में जो होल था वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। आप ये कुछ इस तरीके से चेक भी कर सकते हो, मैं फ्रेंड्स आपको चेक करके बता रहा हूँ। मैं इस तरफ से मैंने यहाँ पर इस होल में कुछ इस तरीके से इस लकड़ी को डाला तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये आर पार निकल रही है। तो इसी तरीके से ये होल आमने सामने होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और सीट कट करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये सीट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। फ्रेंड्स इस सीट में आपको यहाँ पर एक होल कर देना है, ये बीच सेंटर में होल नहीं करना है, ये थोड़ा सा साइड में आपको होल करना है और ये सीट मैंने स्केल में से ही कट करी है। आप देख सकते हो ये मैंने इस स्केल में सीट कट करी है और इसकी चौड़ाई मैंने थोड़ी सी कम कर दी है और जो इसकी ये चौड़ाई है ये मैंने 2 सेंटीमीटर की रखी है और जो इसकी ये लंबाई है ये मैंने 3 सेंटीमीटर की रखी है। और इसमें ये वाला जो आप राउंड शेप में कट देख रहे हो ये मैंने क्यों बनाया है वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद आपको एक स्प्रिंग लेना है कुछ इस तरीके का और स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना है और स्क्रू भी कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है। तो ये देख फ्रेंड मैंने इस स्क्रू को टाइट कर दिया और इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये थोड़ा सा ढीला ही रहना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो ये इसकी आप ऊंचाई देख रहे हो इस वाली सीट की, ये फ्रेंड्स इस वाली सीट से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। यह वाली सीट जो नीचे वाली सीट है ये इससे थोड़ी सी छोटी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी बड़ी होगी तो और अच्छा रहेगा और बराबर होगी तब भी अच्छे से वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारी पिस्टन है फ्रेंड्स इसको कुछ इस तरीके से डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये हमारा इंजन है और जो ये हमारा फ्लाईव्हील और ये क्रैंक है इसमें कुछ इस तरीके से इस क्रैंक के इस कील में डाल देना है और फ्रेंड्स इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो ये स्क्रू वाली साइड है फ्रेंड्स इसको कुछ इस तरीके से फ्लाईव्हील की तरफ रखना है और फ्रेंड्स इस क्रैंक को जो ये क्रैंक में ये जो कील लगाई है ये पूरी ऊपर की तरफ आ जाए तो फ्रेंड्स इसको आपको पिस्टन को जो इसमें हमने ये होल किया है फ्रेंड्स इस होल के बराबर इसे कर देना कुछ इस तरीके से नीचे कर गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हम इसे यहीं पर इसको फिक्स कर देंगे इस नीचे वाले पीस पर और जो ब्लैक कलर का ये पार्ट है इस पर फेविक्विक लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब आप देख सकते हो मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, जो सिलेंडर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और इसी तरीके से ये मूव करेगा तभी हमारा इंजन वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको ये जो होल दिख रहा है फ्रेंड्स इस होल के सामने भी हमें दूसरी जो हमने यहाँ पर सीट लगाई है इसमें ये 2 होल करने पड़ेंगे, जो हमारा एक इसमें स्टीम का या फिर एयर का प्रेशर भेजने के लिए जो इसको पिस्टन को
प्रेस करेगा जिससे इंजन चलेगा। और फ्रेंड्स जो इसके अंदर एयर जाएगी उसको बाहर निकालने के लिए भी हमें एक और होल करना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें होल करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इसको घुमाना है, और जो ये हमारे क्रेन का ये जो कील वाला हिस्सा है ये आपको साइड में कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसे साइड में कर दिया, और फ्रेंड्स जो ये अब आपको ये होल दिख रहा है फ्रेंड्स, इस होल के सामने आपको एक मार्किंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स मैं इस पर मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मार्कर का यूज़ करने पर इसमें यहाँ पर निशान लग ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स आपको इसी तरह से यहाँ पर निशान लगा देना है, या फिर आप छुरी से यहाँ पर निशान लगा सकते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से चमकेगा। फ्रेंड्स इसके बाद आपको इसे घुमाकर फिर दूसरी साइड में कर देना। पहले हमने इसे यहाँ पर साइड में करके निशान लगाया, तो अब इसे फ्रेंड्स यहाँ पर करके इस पर एक और निशान लगा देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको ये निशान दिख रहा होगा हल्का सा, क्योंकि इस पर मार्कर अच्छे से काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक होल करना है, और एक होल आपको यहाँ पर कर देना है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर होल कर देता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसमें होल कर दिए हैं। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये दो होल किए हैं, और ये होल मैंने थोड़े से बड़े किए हैं। ये होल बड़े मैंने क्यों किए हैं वो आपको आगे बता दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये सिलेंडर इसमें ला कर दिखाता हूँ कि इसकी टाइमिंग कैसे काम करेगी। तो फ्रेंड्स इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसको कुछ इस तरीके से डाल दिया, और आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये होल इन वाले होल के सामने आता है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से ये काम करेगा, और इसकी टाइमिंग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइड में ये वाली कील जब कर देंगे हम, तो ये जो होल है ये कुछ इस तरीके से इस होल के सामने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये इस होल के सामने आ रहा है कुछ इस तरीके से। इसके बाद जब हम इस कील को यहाँ पर इधर की साइड में कर देंगे तो ये तब इधर वाले होल के सामने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस होल के सामने आ रहा है। तो इसी तरीके से इसकी टाइमिंग काम करेगी। इसके बाद इसे कुछ इस तरीके से निकाल लेना है, और कुछ इस तरीके के दो पाइप लेने हैं, और उन्होंने कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है, यहाँ से बैंड कर लेना है। ये बैंड किस तरीके से करना है वो मैं आपको आगे बैंड करके दिखा दूँगा कि इसे किस तरह से बनाना है इस तरीके से पाइप को। तो इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाऊंगा मैं, और इस वाले पाइप को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दूंगा मैं। आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी लगा सकते हो, आप इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर आप दोनों को कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप इसे किस तरह से लगाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप इनको लगा सकते हो। फ्रेंड्स मैं एक को ऊपर कर रहा हूँ, और एक को कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर इन को फिक्स कर देता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देख फ्रेंड मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया, आप देख सकते हो मैंने इन पाइप को यहाँ पर फेविक लगाकर अच्छे से मजबूती से फिक्स कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ से एक्स्ट्रा पाइप निकल रहा था उसको मैंने कट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की रेती लेनी है, और फ्रेंड्स इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से घिसना है। फ्रेंड्स इसको घिसना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ पर हमने पाइप लगाए हैं थोड़े बहुत ऊपर होंगे इससे, तो वो घिसकर इसके बराबर हो जाएंगे, और जो इसकी ऊंचाई थी वो बीच में है, थोड़ी सी ऊंची थी। तो फ्रेंड्स जो हमने ये सिलेंडर बनाया था फ्रेंड्स मैंने इसको भी घिसा था, वो मैंने आपको पिक्चर ही बताया था वीडियो में। तो फ्रेंड्स इसको इसीलिए घिसा था क्योंकि जो इसका ये बीच का हिस्सा है ये थोड़ा सा ऊँचा था, और जो साइड के ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचा था इसका। इसीलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं इसे यहाँ से घिस रहा हूँ, तो इसका बीच का हिस्सा घिस रहा है, और साइड का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा अभी घिसने से रह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका बीच का हिस्सा ऊंचा है, तो फ्रेंड्स इसीलिए इसका बीच बीच का ही हिस्सा घिसा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे घिस लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसको काफ़ी अच्छे से घिस लिया, और अब ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। फ्रेंड्स इसके बाद जो इसका पिस्टन और सिलेंडर है इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, इसके बाद स्प्रिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल देंगे, और इसका स्क्रू ये टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसका स्क्रू ये टाइट कर दिया, और इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है। तो ये देख फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से अच्छे से रोटेट कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये वाला होल दिख रहा है आपको इसे बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का एक लकड़ी का पीस कट कर रखा है, जिसको मैंने कहाँ से कट किया वही मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके की ये लकड़ी ली, और इसके आगे से मैंने इस वाले पीस को कट कर लिया है। फ्रेंड्स इस वाले पीस को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे।
और इसे यहीं पर फिक्स कर देंगे फेविक्विक से, जिससे यहाँ से एयर का प्रेशर बिल्कुल भी लीक ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स ये वाले पाइप मैंने किस तरीके से मोड़े हैं वही मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद सीधा ही हम इसको चलाकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस पाइप को मैंने कुछ इस तरीके से, पहले सीधा था तो मैंने इसको यहाँ से तिरछा कट लगाया कुछ इस तरीके से, और इनमें कुछ इस तरीके से कट लगाने के बाद इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको हम यहीं पर फेविक्विक से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का पाइप बन जाएगा जैसा हमने यहाँ पर ये वाले पाइप लगाए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप बना सकते हो, वरना तो आप यहाँ पर सीधा ही पाइप लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये देख फ्रेंड हमारा पूरा सेटअप कम्प्लीट हो गया कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स मैंने इस पंप से इस बोतल में हवा भरी और इस बोतल से कुछ इस तरीके से एक पाइप आ रहा है जो हमारे इस इंजन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको ऊपर करने है, जो एयर का प्रेशर इस पाइप से आ रहा है वो इस इंजन के अंदर जाएगा और इस इंजन को चलाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये इंजन चलाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा है इंजन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस बोतल के अंदर का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो गया है, इसीलिए इंजन चलना बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं इसमें एयर का प्रेशर भरता हूँ, उसके बाद आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो ये देख फ्रेंड मैंने इसमें फिर से एयर का प्रेशर भर दिया। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको ये इंजन चलाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो फ्रेंड्स अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको यह इंजन अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स एक भाई है जो हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं कि पेट्रोल इंजन बनाओ। भाई पेट्रोल इंजन बनाने के लिए काफ़ी खर्च आएगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अभी कोई अच्छा सा पार्ट्स अफोर्ड करूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कबाड़े से भी सामान खरीदने में पैसा लगता है और पैसा हमारे पास अभी नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो फ्रेंड्स पेट्रोल इंजन भी बनाएंगे और काफ़ी कम पैसे में बनाएंगे, लेकिन इस वक्त कम पैसा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बता सकते हो कि हम इससे भी छोटा स्टीम इंजन बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स स्टीम इंजन बनाना थोड़ा सा इजी होता है और इसमें खर्च भी कम आता है, इसीलिए मैं स्टीम इंजन बना देता हूँ और पेट्रोल इंजन में खर्च काफ़ी आता है। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।